बात करेंगे उत्तराखंड की। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर फोकस करना शुरू कर दिया है ताकि इन सीटों पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छे वोट मिल सके। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 47 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 23 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में नाकाम रही। अब इन हारी हुई सीटों पर बीजेपी अपनी सक्रियता बढ़ाने जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने सभी सांसदों की ड्यूटी भी लगा दी है। बीजेपी के सांसद इन हारी हुई 23 सीटों पर प्रवास करेंगे और बूथ से लेकर ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगे। इतना ही नहीं, पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनावों को लेकर जिम्मेदारी भी दी जाएगी। बीजेपी के सांसद 6 नवम्बर से लेकर 17 नवम्बर तक इन हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर प्रवास के दौरान बैठक करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी सांसदों को कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। इन हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 60% वोट प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। इसलिए खासकर बीजेपी का फोकस ST SC OBC वोटरों को लुभाने का होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सम्मेलन ST ST और OBC वर्ग के लोगों के लिए किए जाएंगे, क्योंकि इन 23 हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने जो समीक्षा की है उसमें बीजेपी को ST ST और OBC वर्ग के वोट कम मिले हैं। ऐसे में बीजेपी का फोकस लोकसभा चुनाव से पहले इन तमाम सीटों पर है, यानी कि ST ST और OBC वोटरों पर है, और उनको लुभाने के लिए बीजेपी हर तरीके से कार्यक्रम चलाएगी। OBC खासकर OBC बाहुल्य जो इलाके हैं वहाँ पर कई सम्मेलन किए जाएंगे, कार्यकर्ताओं से बैठक की जाएगी, और जो 23 हारी हुई सीटों हैं उस पर अपना कुनबा बढ़ाने की बीजेपी भरसक कोशिश करेगी।